Is the screen is visible to everyone? Okay, so बेसिकली आज क्लास नंबर 8 है माइक्रो का और 7 क्लासेस हो चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली टैक्सेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे डेरिवेट लॉस का कंसेप्ट हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 8 था आपके मैनेजू बुक का, और चैप्टर नंबर 8 आपका जो है वो यूनिट नंबर 3 में आता है। ठीक है, तो मैंने उसको यूनिट नंबर 2 के अंदर में ही कवर कर दिया था। तो ऐसा करेंगे हम लोग, यूनिट नंबर 2 एंड 3 दोनों को एक साथ करेंगे। तो पिछले क्लास तक में हम लोगों ने मैनेजू के चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के सारे कंसेप्ट कर लिए। ओके, आज हम लोग जो क्लास में करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे मैनेजू का, जो कि है आपका अप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और उसी चैप्टर नंबर 9 को पूरा कंप्लीट भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। तो अब हम लोग सिंस यूनिट नंबर 2 एंड 3 को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक होगा वो सारे हम लोग एक ही फोल्डर के अंदर में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके, एक सेकेंड गाइस। चलिए, ओके गाइस, सॉरी। सो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर मैनचू का, और टॉपिक आज जो करेंगे हम लोग, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। सो आपके सिलेबस में जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो थोड़ा अप्लीकेशन बेस्ड इवेंट है। मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में आप जाओगे तो बहुत कुछ अलग दिखेगा, बट यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को अज्यूम करके, जब ट्रेड ओपन होता है तो ऑन दैट टाइम आपकी इकोनॉमी में क्या सब चेंजेस आएंगे, उसके कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि जो हमारी इकोनॉमी होती है ना, वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। जो क्लोज्ड इकोनॉमी हमारा होता है, ध्यान सुनिएगा, देखा जो क्लोज्ड इकोनॉमी हमारा होता है उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो भी आप जिस भी कॉमोडिटी के लिए ट्रेड कर रहे हो या जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, वो सारा आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में ही होना चाहिए। आप बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे, मतलब ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई अलग रिलेशन, आप इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बना रहे। तो क्लोज इकोनॉमी में हमेशा आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो वो सब अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में ही करो। लेकिन जैसे ये इकोनॉमी ओपन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, तो ऑन दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, अब ट्रेड बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कर सकते हो। मतलब अब आपके पास क्या होता है कि आप इंटरनेशनल कंसेप्ट को अपने इकोनॉमी में लेके आ रहे हो, जहां पे आप अपने सामान को बाहर बेच सकते हो, सामान बाहर से खरीद सकते हो, या इन्वेस्टमेंट बाहर कर सकते हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आपके इकोनॉमी में हो सकती है। तो जहां पे अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग में, वो सब हम लोग क्लोज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। थोड़ा सा एक चैप्टर के लिए आपके मैनफ्यू ने अभी क्या किया, मतलब आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में बस एक इसी चैप्टर के लिए आपको थोड़ा आइडिया दिया गया किस चीज का, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, मतलब ओपन इकोनॉमी का। वैसे आप चैप्टर नंबर 3 में जब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ोगे, तो वहां पे भी आप दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बारे में देखोगे, जहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह निकालोगे, बट वो ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेलिंग दिया गया है कि जब अगर ट्रेड ओपन होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी, तो ऑन दैट टाइम आपकी इकोनॉमी में क्या होगा। लेकिन यहाँ पे भी वो सारे के सारे अप्लीकेशन बेस्ड होंगे, मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जब पढ़ रहे हैं हम लोग, ओपन इकोनॉमी जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ओपन इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। ये सिंगल एक टॉपिक के लिए आप पूरा का पूरा पेपर होगा सेमेस्टर 5 एंड 6 में आपके लिए। मतलब आपके लिए, आप सेमेस्टर 5 एंड 6 में आओगे तो आपके लिए पेपर आएगा डीएससी के अंदर में, जहां पे आप चूज कर सकते हो, जिसमें एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर होगा, जहां पे हर चीज पढ़ोगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग मतलब जो चीजें होती है रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसे कि हम लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ
हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा होता है, कुछ टैरिफ लग रहा होता है, एंड कई सारे अलग फैक्टर्स होते हैं। तो उन सबको हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि वो सब अभी फिलहाल नहीं है, और अगर वो सब नहीं है तो कंज्यूमर सरप्लस या इकोनॉमी के टोटल सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आता है जब ये जो ट्रेड है ये इंटरनेशनली ओपन हो जाए तो। ओके, तो बेसिक आइडिया बस आपको इस चैप्टर से लेना है। अब बेसिक आइडिया कैसे लेना है, ध्यान से देख। मान लेते हैं आपके पास जब इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड ओपन नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ पहले। क्लोज्ड इकोनॉमी, सो क्लोज इकोनॉमी अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, जहां पे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रख रहे, कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रख रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड एंड सप्लाई कर्व है, और किस चीज का है, तो मैं ना पेन का बात कर रहा हूँ कि मैं एक कॉमोडिटी है पेन, और इस पेन के क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे इसी पेन का प्राइस गिवेन है। ओके, सो सिंस क्लोज इकोनॉमी की बात हो रही है, तो मतलब डोमेस्टिक ही सारा चीज होगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट अस सपोज वी हैव डोमेस्टिक डिमांड, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, DOMT, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, DOM स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। ओके, सो हमारे पास ये डोमेस्टिक डिमांड इस तरीके से गिवेन है, और वी हैव डोमेस्टिक सप्लाई, DOM and S। ओके, अब जहां पे ये आपस में इक्वेट कर रहे हैं, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक पॉइंट है जहां पे आपस में इक्वेट कर रहे हैं, तो इससे जो हमारे पास प्राइस आएगा उस प्राइस को आप लोग क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हो, मतलब मार्केट फोर्स से आया हुआ प्राइस, ये रहा PE। और यहां से जो हमारे पास क्वांटिटी आएगा इसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट फोर्स से आया हुआ है। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ना अभी फिलहाल के लिए एक नंबर के फॉर्म में इसको अज्यूम करता हूँ कि इनिशियली जब आप क्लोज इकोनॉमी थी और जब डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर में ही हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो इस पेन का जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो था 10 रुपीज, और मार्केट में जो इस पेन की क्वांटिटी थी, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई था, वो था 5000 यूनिट का, 5000 यूनिट का, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आया। अगर आप सभी एग्री करो तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व वाला एरिया। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर का एरिया हमारे पास है दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, और जो नीचे का एरिया है बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। मतलब कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का कंसेप्ट आपको आना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के एप्लीकेशन को समझने के लिए। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ये हम लोग पढ़कर आए हुए क्लास, पिछले 7 क्लास में ये हम लोग करके आए हुए कि एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन इज कंज्यूमर सरप्लस, एरिया बिलो द प्राइस लाइन अबव द डिमांड कर्व इज, सॉरी, अबव द सप्लाई कर्व इज प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इकोनॉमी में हमारे पास ये था कंज्यूमर सरप्लस, ऊपर वाला पार्ट दिस इज माई कंज्यूमर सरप्लस, और नीचे वाला पार्ट था हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसी को लेकर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखें किस तरीके से, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं ना इस चीज को कॉपी करना चाहता हूँ फिलहाल। अब मैं यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मतलब अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप बाहर से सामान खरीद भी सकते हो, बाहर सामान बेच भी सकते हो, और अज्यूम कर रहे हैं, आप ध्यान सुनना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, जो वर्ल्ड प्राइस हमारे लिए आएगा वही हमारे लिए फाइनल प्राइस होगा। इसके अंदर के बाहर हम लोग कुछ नहीं पे करने वाले हैं, ना ही कुछ रिसीव करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि बाहर अगर हम एक तरीके से देखें, अगर दुबई में इस पेन का दाम 10 रुपए है, तो दुबई से इंडिया लाने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट लगेगा, तो ये सब नहीं है। जो प्राइस गिवेन होगा वही हमारे लिए फाइनल प्राइस होगा, उसमें आप किसी भी तरीके का कोई चार्ज पे नहीं करना, ये हम लोग अज्यूम करके चले। तो अब सिनेरियो हमारे पास है ओपन इकोनॉमी का, और ओपन इकोनॉमी में देखो सिनेरियो कैसा आ रहा है। ओके, तो मैंने इसको यहां पे रखा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पेन की बात करते हैं,
ठीक है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस डोमेस्टिक वाला क्या था 10 रुपीज, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डोमेस्टिक वाला क्या था वो 5,000 रुपीज का। हमने क्या किया कि अब गवर्नमेंट आती है और उसने क्या किया, मान लेते आपके बॉर्डर को ओपन कर दिया, जो आपका डोमेस्टिक बॉर्डर है उसको ओपन कर दिया, और बायर को भी परमिशन दिया कि आप बाहर से सामान खरीद सकते हो, और सेलर को भी परमिशन दिया कि आप बाहर सामान बेच भी सकते हो। अब जब जैसे ये बॉर्डर ओपन होगा तो अब सभी बायर एंड सेलर को हर चीज पता होगा कि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये आपको पहले से पता होगा। तो एक बार केस वन लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये हमारे लिए एक केस वन है, दैट इज कि जो वर्ल्ड प्राइस है, वर्ल्ड प्राइस जो है इस पेन का, जिस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, जिस भी कमोडिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड प्राइस है वो बड़ा है डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस से। लेट अस सपोज हमारे एग्जाम्पल में कि जो वर्ल्ड प्राइस है वो पेन का है 15 रुपीज, तो इकोनॉमी में मैं कुछ इस तरीके से वर्ल्ड प्राइस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये रहा मान लेते वर्ल्ड प्राइस। चलिए, सो अगर ये मेरा वर्ल्ड प्राइस है, ये प्राइस क्या आएगा 15 रुपीज आएगा, कुछ इस तरीके से। अब एक बात बताओ, जैसे ही बॉर्डर खुला, एज अ बायर मैं बाहर से सामान परचेज कर सकता हूँ, मैं बाहर कंट्री में जाकर सामान ले सकता हूँ, और जैसे ही मैं बाहर कंट्री में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ इस पेन की कीमत क्या है, मुझे एक पेन चाहिए बताओ कितने पैसे लगेंगे, तो सामने वाला कहता है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कहता है कि 15 रुपए, 15 रुपीज पर यूनिट का लगेगा, क्या आप बाहर से पेन परचेज करोगे? नो एनीवन सर, नहीं करोगे ना। तो अगर जैसे ही रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का जो प्राइस है, जिसको आप वर्ल्ड प्राइस कह रहे हो, अगर वो प्राइस आपके डोमेस्टिक प्राइस से ज्यादा है तो आप कभी भी बाहर से सामान परचेज नहीं करोगे, मतलब आप इम्पोर्ट कभी नहीं कर सकते। लेकिन अब एज अ सेलर की मैं बात करता हूँ, मान लेते आप दुकानदार हो, अब आप जो है इस पेन को आपने मार्केट में बेच रहे थे 10 रुपए में, अब आपको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि इसी पेन को आप बाहर भी बेच सकते हो, और बाहर बेचते हो तो आपको इस पेन का 15 रुपए मिल रहा है, बताओ कहाँ बेचना पसंद करोगे? सर बाहर। बाहर बाहर। तो इससे क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे डोमेस्टिक सेलर्स होंगे वो क्या चाहेगा कि मैं इस पेन को बाहर बेचूं, क्योंकि पेन जो है बाहर मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या देखा गया कि सिंस वर्ल्ड प्राइस आपका आपके डोमेस्टिक प्राइस से ज्यादा था, तो जो बायर है वो बाहर से तो सामान नहीं खरीदेगा, वो तो श्योर है, लेकिन जो आपके डोमेस्टिक सेलर्स है, जो आपके अपने इकोनॉमी के जो सेलर्स है, प्रोड्यूसर है, वो अब सामान आप अपने कंट्री में बेचना पसंद नहीं करेगा, वो सामान बाहर बेचना पसंद करेगा। वो आप सीधी क्या करेगा कि जो प्राइस है पेन का 10 रुपीज जो पहले था उसको वो 15 रुपीज कर देगा, क्योंकि जो वर्ल्ड प्राइस है वो 15 रुपए है। क्यों करेगा? क्योंकि सिंस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि इस पेन आपके पास, ये पेन बन चुका है, अब इस पेन को आप अपने यहाँ पे बेचो या जाके रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में बेचो, हर जगह आप बेच सकते हो, और किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शनल कॉस्ट नहीं है, ना ही कोई टैरिफ है। तो अगर मैं इस पेन को यहाँ बेचूंगा तो मेरे को बदले में 10 मिलेगा, बाहर बेचूंगा तो 15 मिलेगा, तो हर एक सेलर क्या कहेगा, इस पेन को 15 रुपए में ही बेचेगा, मतलब वो प्राइस को इंक्रीज कर देगा सेलर के द्वारा। इतनी बात समझ में आई सभी को? वर्ल्ड प्राइस आपके डोमेस्टिक सर, प्राइस से बड़ा है, तो इससे सेलर अपने जो डोमेस्टिक प्राइस था उसको भी इंक्रीज कर देगा 15 रुपए। क्लियर? यस यस सर, क्योंकि क्योंकि एज अ सेलर मेरे पास ऑप्शन है ना, पहले ऑप्शन नहीं था सामान बेचने का, पहले मेरे पास जितना डिमांड था और जितना सप्लाई था उसके अकॉर्डिंग प्राइस 10 रुपए आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस पेन को 15 रुपए में बेच सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं 15 रुपए ही प्राइस रखूंगा इस पेन को, मैं 10 में क्यों बेचूंगा? तो सेलर ने क्या किया, अपने डोमेस्टिक प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया, मतलब पेन की जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया 15 रुपए। अब जो है जो डोमेस्टिक बायर है उसको अगर पेन लेना है तो 15 रुपए में ले, नहीं लेना है तो मत ले, मेरे पास जो पेन है मैं उसको बाहर में आराम से बेच के आऊंगा 15 रुपए में। तो सिंस जो डोमेस्टिक प्राइस था वो पहले तो कम था, बट वर्ल्ड प्राइस जो है बड़ा था डोमेस्टिक प्राइस से, तो इसके कारण सेलर के द्वारा डोमेस्टिक प्राइस भी इंक्रीज हो गया है। जैसे ही डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, अगर आप सभी अग्री करो, तो क्या ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर न्यू डिमांड एट ₹15, सर और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज योर न्यू सप्लाई एट ₹15। आप ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आया, इससे जो क्वांटिटी आएगी, दिस इज योर न्यू डोमेस्टिक डिमांड। लेट अस सपोज ये क्वांटिटी आ रहा है, लेट अस सपोज 3,000, तो सिंस प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो अब जो डोमेस्टिक डिमांड है वो फॉल कर जाएगा, अब हमारे देश के जो लोग हैं वो 3,000 पेन की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इंक्रीज कर गया है।
और ये जो पॉइंट आया है, दिस इज नथिंग बट अ डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज अगर ये इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, ये 6000 आ रहा है, या 6000 से बढ़ाकर इसको 7 कर लो, मान लेते ये 7000 आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, ये बेसिकली 7000 है बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई, जिसमें कि जो सेलर है डोमेस्टिक के वो 3000 पेन तो अपने देश में बेच रहे हैं, और बचे हुए 4000 जो पेन है वो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच रहे हैं। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या हम लोग इसी डिस्टेंस को, और यू कैन से मैग्नीट्यूड को, एक्सेस सप्लाई कहते हैं? यस सर, बोलो, क्या यही जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, दिस इज नथिंग बट अ एक्सेस सप्लाई? यस सर, और यही एक्सेस सप्लाई आज आपका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बन रहा है। ये जो आपका एक्सेस सप्लाई यहां से लेके यहां तक, यही क्या हो रहा है, आज एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब बाहर के कंट्री में सामान आप बेच रहे हो। समझ आ रहा है? ओके यस तो सर, हम क्या देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, अगर आपका वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से बड़ा होता है, तो इस टाइम पे जो आपका डोमेस्टिक प्राइस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा बाय द सेलर, वो इंक्रीज करवा देगा। जैसे ही डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज करेगा, तो डोमेस्टिक डिमांड है इस पेन का, वो डोमेस्टिक डिमांड क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। लेकिन यस सिंस सर, प्राइस बढ़ा है तो डोमेस्टिक डिमांड फॉल कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जो एक्सेस, मतलब डोमेस्टिक सप्लाई एंड डोमेस्टिक डिमांड में जो पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड निकलेगा हमारा डिफरेंस, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड जो कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी तक जो सीख कर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सेस सप्लाई, यही जो एक्सेस सप्लाई है हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपोर्ट। समझ पा रहे हैं? यस ये सर, इफेक्ट, ये यही सेम चीज जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यही डायग्राम पे शो हो रहा था। तो मेरे डायग्राम वर्ल्ड प्राइस जैसे ही आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हुआ, अब आपका डोमेस्टिक प्राइस भी इंक्रीज कर गया है, जिससे डोमेस्टिक डिमांड फॉल कर गया, डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज कर गया, और जो एक्सेस सप्लाई वाला पार्ट है वो आपका एक्सपोर्ट। अब मैं इससे ना इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि आपके इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे इसका इम्पैक्ट, और यू कैन से इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ। देखो इफेक्ट के लिए मैं कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, बिफोर ट्रेड, बिफोर ट्रेड क्या था, आफ्टर ट्रेड क्या रहा, और चेंजेस क्या है। बिफोर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस कितना था, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था, एंड टोटल सरप्लस इकोनॉमी में कितना था, ये हम लोग ध्यान से देखना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कॉलम वाइज सेट कर लूं। पेपर में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, टेबल के फॉर्म में आपको बोल देगा बनाने के लिए, या नॉर्मल फॉर्म में बोल देगा बनाने के लिए, तो आप लोग कर सकते हो अगर अच्छे से समझ लोगे। सिंपल है, जहां टेबल और डायग्राम सीख लोगे वहां पे आपको फिर ये डाउट कभी नहीं होगा कि किस तरीके से क्या निकालना है, आराम से आप निकाल सकते। अब आते हैं अपने डायग्राम, डायग्राम में मैं पहले ना पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं नंबरिंग बेसिकली एक अल्फाबेटिक दे रहा हूँ एरिया को। मान लेते ये मेरा एरिया ए है, किसी और से ले लेते सपोज, ये मेरा एरिया ए है, इस एरिया को मैंने नाम दिया बी, इस एरिया को मैंने नाम दिया सी, इसको मैंने नाम दिया डी, इस वाले नीचे वाले को मैंने नाम दिया ई, और इसको मैंने नाम दिया एफ। तो जितने एरिया बन रहे थे उन सबको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ओके अब ध्यान से देखो, जब इकोनॉमी में ट्रेड नहीं था, ट्रेड की परमिशन नहीं थी, बिफोर ट्रेड जो कंज्यूमर सरप्लस था, अगर आप सभी एग्री करो तो कंज्यूमर सरप्लस यही था हमारा, ये वाला एरिया एबीसी यस ए बी एंड सी, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व। तो बिफोर ट्रेड जो कंज्यूमर सरप्लस था वो आपका था ए बी एंड सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस में बी प्लस में सी। बिफोर ट्रेड जो प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये था आपका प्रोड्यूसर सरप्लस, कर रहे हो सारे एग्री, ई एंड एफ। तो ई एंड एफ इज द एरिया बिफोर ट्रेड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो ई प्लस में एफ। टोटल सरप्लस की बात करेंगे तो टोटल सरप्लस क्या था हमारा, ये कंज्यूमर सरप्लस प्लस में प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरप्लस आ जाएगा। तो ए प्लस बी यस सर, प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी
प्लस में ई प्लस में एफ, ये टोटल हमारे पास आ गया क्या, तो कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर टोटल सरप्लस बिफोर ट्रेड। अब आते हैं आफ्टर ट्रेड, मान लेते इकोनॉमी में अब ट्रेड हो रहा है, अब देखते क्या होता है। जैसे ही इकोनॉमी में ट्रेड स्टार्ट हुआ और केस वन में आपका वर्ल्ड प्राइस जो था वो क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर था, तो इस टाइम पे जो कंज्यूमर सरप्लस होगा आफ्टर ट्रेड, क्या बस ये वाला एरिया होगा, यस तो अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो दी डिमांड कर्व, तो ओनली ए इज दी कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओनली ए इज दी कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो आज जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, अगर आप सभी एग्री करो, क्या ये वाला एरिया होगा, यस सर बिफोर दी, सॉरी बिलो दी प्राइस लाइन एंड अबव दी सप्लाई कर्व, तो बी सी डी ई एंड एफ, ध्यान रखना बी सी डी ई एंड एफ, तो बी सी डी ई एंड एफ, ओके। अब आफ्टर ट्रेड जब मैं टोटल सरप्लस निकालूंगा तो सबको ऐड कर दूंगा, ए बी सी डी ई प्लस एफ, कुछ इस तरीके से। अब आगे देखते हैं चेंजेस क्या आया। कंज्यूमर सरप्लस पहले ए बी सी था, अब आफ्टर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस ओनली ए बचा है, कंज्यूमर से बी वाला एरिया एंड सी वाला एरिया क्या गया, निकल गया। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले ओनली ई प्लस एफ था, अब प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो क्या है, बी सी डी ई एफ, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ओनली बी सी डी ऑल, ठीक है, यहाँ माइनस बी सी नॉट ओनली, डी ओनली बी सी एंड डी, ये तीनों के तीनों एरिया ऐड हो चुके हैं, ई एफ जैसा पहले था पहले का पहले रह गया, और एक्स्ट्रा बी एंड सी एंड डी वाला एरिया ऐड हो चुका है। टोटल चेंज की बात करें तो हमने क्या देखा कि कंज्यूमर सरप्लस से बी वाला एरिया गया था जो कि प्रोड्यूसर के पास आ गया, कंज्यूमर सरप्लस से सी वाला एरिया गया था जो कि प्रोड्यूसर के पास आ गया, एक एक्स्ट्रा एक ऐसा एरिया मेरे को मिल गया डी, जो कि ना ही पहले कंज्यूमर के पास था ना ही मेरे प्रोड्यूसर के पास था, बट अब आफ्टर ट्रेड आपके इकोनॉमी में एक्स्ट्रा एक एरिया आया एज अ सरप्लस, तो इस डी को हम लोग बोलते हैं, ये जो डी आपके पास आया है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन टोटल सरप्लस, इंक्रीज इन टोटल सरप्लस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारे इकोनॉमी में जैसे ही ट्रेड स्टार्ट हुआ इससे हमारे इकोनॉमी का सरप्लस बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, कैसे बढ़ गया है, तो पहले बिफोर ट्रेड आपके पास ये डी वाला एरिया नहीं आ रहा था, आज आपके पास ये डी वाला एरिया एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है आपके सरप्लस में, एग्री कर रहे हो। यस सर सो बेसिकली अब ध्यान से देखते हैं, जब वर्ल्ड प्राइस आपका डोमेस्टिक प्राइस से बड़ा है उस टाइम पे डोमेस्टिक प्राइस आपकी इंक्रीज करेगी, डोमेस्टिक डिमांड कम होगा, कंज्यूमर सरप्लस फॉल करेगा, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करेगा, और साथ में एक एक्स्ट्रा ऐसा एरिया आएगा जो कि ना पहले कंज्यूमर के पास था ना पहले प्रोड्यूसर के पास था, बट आफ्टर ट्रेड वो एरिया आपकी इकोनॉमी में आ रहा है ड्यू टू एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कब अराइज होता है, जब वर्ल्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज, वर्ल्ड प्राइस जो है वो बड़ा हो इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक प्राइस। क्लियर है सभी को केस वन, सर यस सर तो इस टाइप के केस में प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट होगा ना? बिल्कुल, प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो रहा है और कंज्यूमर को लॉस लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो रहा है। ओके चलिए तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो हमारे लिए जो ट्रेड है मतलब इंटरनेशनल ट्रेड है वो फायदेमंद है, हमारे इकोनॉमी में एक सरप्लस इंक्रीज कर रहा है। ओके, किसी को डाउट एनीवन केस वन में, अब मान लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चन देता डिमांड एंड सप्लाई का और उससे आपको इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी निकाल लेता और नेक्स्ट लाइन पे लिख देता कि लेटर सपोज वर्ल्ड प्राइस है पी इज इक्वल टू समथिंग, और मान लेते वो पी इक्वल टू समथिंग आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव होता, और एग्जामिनर आपसे पूछता कि बताओ वर्ल्ड प्राइस अगर पी इक्वल टू समथिंग है और हमारे इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ है तो हमारे इकोनॉमी में क्या सब चेंजेस आएंगे, तो क्या हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस ओके चलिए, तो ये हमारे पास केस नंबर वन था जहां पे हम लोगों ने ये देखा कि अच्छा यहाँ पे कौन लूज कर रहा है और कौन विनर है, कंज्यूमर लूज कर रहा है एंड प्रोड्यूसर इज विनर, एंड ओवरऑल इकोनॉमी तो विनर है ही, क्लियर। यस चलिए सर अब ओपन इकोनॉमी में सेकेंड केस देखते, केस टू। सो केस टू में मैं लेके चल रहा हूं जो वर्ल्ड प्राइस है पेन का वो कम है डोमेस्टिक प्राइस से,
और अक्सर यही होता है हमारे साथ। इसलिए हमारे इकोनॉमी में इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अच्छा एक बात समझ में आ गया ना, कि अगर वर्ल्ड प्राइस बड़ा होगा डोमेस्टिक प्राइस से, इफ वर्ल्ड प्राइस विल लार्जर देन द डोमेस्टिक प्राइस ऑन दैट टाइम आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स क्रिएट होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन था। अब आते हैं, जब वर्ल्ड प्राइस लेस देन डोमेस्टिक प्राइस से तो क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग वही डायग्राम को, सेम पुराना डायग्राम को पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो आई होप अब ये विजिबल हो। ओके तो ये हमारे पास इनिशियल सिनेरियो था। मैंने बोला इस बार जो वर्ल्ड प्राइस है वो डोमेस्टिक प्राइस से छोटा है, तो लेट अस सपोज जो वर्ल्ड प्राइस आपका है वो ये रहा आपका वर्ल्ड प्राइस कुछ इस तरीके से। मान लेते ये जो प्राइस है ये है 6 रुपीज, वर्ल्ड प्राइस पेन के लिए वो है 6 रुपीज। ओके अब ध्यान से देख, आप एज अ बायर आज हो, और आप इकोनॉमी में पहले आप इस पेन को 10 रुपए में परचेज करते थे और बॉर्डर बंद था, क्लोज इकोनॉमी थी। गवर्नमेंट आती है, इकोनॉमी को ओपन कर देती है, बॉर्डर ओपन कर देती है, और बायर एंड सेलर दोनों को बोलती है कि आप बाहर से भी सामान परचेज एंड सेल कर सकते हो। अब आपको ये पेन आपके मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 6 रुपए का मिल रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पेन खरीदने में सिर्फ जो वर्ल्ड प्राइस है यही पे करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना, ना ही कोई ट्रांजेक्शनल कॉस्ट पे करना है, ना ही कोई टैरिफ पे करना है, कुछ नहीं करना। नॉर्मली आप 6 रुपए दोगे आपके पास एक पेन आ जाएगा। तो बताओ आप कहाँ से पेन परचेज करना आपको पसंद करोगे, अपने कंट्री से या बाहर से। सर बार्स बाहर से करोगे तो जितने भी बायर्स होंगे वो सब क्या चाहेगा कि मैं बाहर से परचेज करूं, क्योंकि सिंस आप अपने अपने कंट्री में परचेज करते हो सेम चीज को तो 10 रुपए में मिल रहा है, यही सेम चीज बाहर से लेके आ रहे हो तो आपको 6 रुपए में मिल रहा है। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, बाहर से परचेज करेगा। क्लियर है। तो बोल जैसे ही बाहर से परचेज करोगे तो यहाँ पे क्या एक तरीके से क्या आ रहा है आपके इकोनॉमी में, क्या स्टार्ट हो रहा है, इम्पोर्ट स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली जब मैं सेलर की बात करता हूँ तो सेलर क्या देख रहा है कि बाहर के कंट्री में जो है वो 6 रुपए में सामान मिल रहा है सेम चीज, और मेरे कंट्री में 10 रुपए में अगर मैं बेचूंगा ये सामान कभी बिकेगा मेरी कंट्री में, नहीं बिकेगा। तो जैसे ही ये ट्रेड ओपन होगा ऑटोमेटिकली जो प्राइस है डोमेस्टिक प्राइस वो आपका फॉल कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जो यस बायर सर है वो 6 रुपए से ज्यादा पे नहीं करना चाहेगा, और सेलर 10 रुपए रखता है तो उसका कोई सामान परचेज नहीं करेगा, तो सेलर को अपना सामान को बेचने के लिए 6 रुपए दाम करना ही पड़ेगा। तो अगर वर्ल्ड प्राइस लेस देन होता है डोमेस्टिक प्राइस से तो इस केस में जो आपका डोमेस्टिक प्राइस होता है वो फॉल कर जाता है, जो डोमेस्टिक प्राइस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। और जैसे ही आपका डोमेस्टिक प्राइस फॉल करेगा जो कि 6 रुपए हो चुका है, तो क्या आप बोल सकते हो दिस इज योर डोमेस्टिक सप्लाई एंड दिस इज योर डोमेस्टिक डिमांड। जैसे ही प्राइस फॉल किया जो डिमांड है कंज्यूमर का डोमेस्टिक डिमांड वो इंक्रीज कर गया, लेट अस सपोज ये 7,000 है, और जैसे ही प्राइस फॉल किया था तो प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल करेगा, डोमेस्टिक सप्लाई भी क्या हो गया, फॉल कर गया, लेट अस सपोज ये 3,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डोमेस्टिक प्राइस के फॉल करने की वजह से आपकी इकोनॉमी में सबसे पहले तो डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो फॉल कर गया, जो डोमेस्टिक यस सर डिमांड है वो इंक्रीज कर गया है, और जो डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज किया है, क्या मैं इसी चीज को, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसी चीज को बोलता हूं एक्सेस डिमांड। यस सर ये आपके पास आ गया एक्सेस डिमांड, और यही जो मैग्नीट्यूड जो एक्सेस डिमांड हो रहा है दिस इज नथिंग बट अ इंपोर्ट, ये आप बाहर से सामान परचेज कर रहे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में तो सप्लाई 3,000 का ही है, 3,000 यूनिट का ही है, और इकोनॉमी में अगर 7,000 यूनिट का ट्रेड हो रहा है तो बचा हुआ 4,000 आप बाहर से परचेज कर रहे हो। तो जो आपका ये एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है, ये जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है ये क्या है हमारा, इंपोर्ट है, इंपोर्ट्स। क्लियर है सभी को ये डायग्राम एंड डायग्राम में जो भी चीजें हुई है। ओके सिंपल है, पहले अगर क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं इससे इफेक्ट चेक करना चाहूँ कि इससे इफेक्ट क्या है आपकी इकोनॉमी में, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ये है आपके पास आफ्टर ट्रेड, चलो पहले बिफोर ट्रेड लिखेंगे ना। सो
बिफोर ट्रेड, फिर आफ्टर ट्रेड एंड चेंज, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस, ये देखना चाहता हूँ। चलिए अब डायग्राम को देखते हैं और एनालाइज करते हैं क्या है। बिफोर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस, अगर मैं इसमें नंबर फिर से दे दूं, लेट सपोज ये ए है, ये एरिया बी है, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको नाम दे देता हूं मैं डी, और इस एरिया को मैं नाम देता हूं ई, इस तरीके से। तो बिफोर ट्रेड अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं, तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस था, ओनली ए वाला एरिया, तो यस सर, मैंने यहां पे लिख दिया ए, ए इज कंज्यूमर सरप्लस बिफोर ट्रेड। बिफोर ट्रेड जब मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की मैं बात करूं, तो प्रोड्यूसर सरप्लस मेरा ये वाला एरिया था बी एंड ई वाला। बी एंड चलो तो यस सर, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोड्यूसर प्लस हमारा होगा बी प्लस में ई, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस ई इज दी टोटल सरप्लस बिफोर ट्रेड। अब आफ्टर ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपका जो डोमेस्टिक प्राइस है सॉरी वो फॉल कर गया, वर्ल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग आ गया। तो जैसे ही डोमेस्टिक प्राइस फॉल कर जाएगा, वर्ल्ड प्राइस के बराबर आ जाएगा, तो आज जो कंज्यूमर सरप्लस है क्या ये वाला एरिया होगा, ये पूरा का पूरा, यस सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ चुका है, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी आ चुका है। प्रोड्यूसर सरप्लस की मैं बात करूं, तो आज प्रोड्यूसर सरप्लस ओनली ये बचेगा, ओनली ई वाला, ऑन यहाँ पे हम लिखेंगे ई। टोटल सरप्लस हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई। अब चेंज थोड़ा देखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस पहले ए था, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो मतलब बी का चेंज प्लस का आया है सी प्लस डी प्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले बी प्लस ई था, अब ओनली ई है, तो बी माइनस हो चुका है। अब ध्यान से देखते हैं, जो प्रोड्यूसर से बी गया था वो कंज्यूमर के पास आया, लेकिन जो कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा सी और डी आया है, वो ना ही पहले प्रोड्यूसर का था ना ही पहले कंज्यूमर का था। ये एरिया अराइज हुआ या इंक्रीज हुआ ड्यू टू ट्रेड। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सी प्लस डी, ये जो आपके पास एक नया एरिया आया है, दिस इज नथिंग बट अ इंक्रीज इन टोटल सरप्लस, इंक्रीज इन टोटल सरप्लस। तो मैं यहाँ से भी क्या देख रहा हूँ कि अगर मेरा वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से कम भी होता है, उस केस में भी ट्रेड ओपन करने पे आपके इकोनॉमी में सरप्लस आती है। लेकिन यहाँ पे कौन विनर है, विनर है अगर वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से छोटा होगा, तो कंज्यूमर विनर होगा, प्रोड्यूसर को लूज करना पड़ेगा कुछ सरप्लस। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी तो दोनों ही केस में विनर होगी, क्योंकि दोनों ही केस में ओवरऑल इकोनॉमी की आफ्टर ट्रेड सरप्लस इंक्रीज करती है। क्लियर है सभी को? यस सर, सेकंड डायग्राम से वो क्लियर हो चुका है। चलिए तो यहां तक में अभी तक में आपने क्या देखा कि अगर वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से बड़ा है, तो इट विल क्रिएट एक्सपोर्ट्स, और ऑन दैट टाइम प्रोड्यूसर जो है वो गेन करेगा, कंज्यूमर जो है वो लूज करेगा, बट ओवरऑल इकोनॉमी गेन करेगी। जब वर्ल्ड प्राइस आपका डोमेस्टिक प्राइस से छोटा है, तो इन दिस केस आपका जो कंज्यूमर है वो गेन करेगा, प्रोड्यूसर जो है लूज करेगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी क्या करेगी, गेन करेगी। और वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से छोटा रहता है, तो ऑन दैट टाइम इट विल क्रिएट इम्पोर्ट्स। क्लियर? अगर ये समझ में आ गया, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, दैट इज इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट्स टैरिफ, ठीक है? इंपोर्ट टैरिफ मतलब जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है वो। ओके, तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखो क्या होता है। फिर से मैंने सेम पेन वाला कंसेप्ट लिया है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ इंपोर्ट के ऊपर टेरिफ का, तो वर्ल्ड प्राइस क्या होना चाहिए, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस या बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस? सर इंपोर्ट पे हाँ,
मैं इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ इम्पोर्ट पे, टैरिफ का इफेक्ट इम्पोर्ट्स पे, तो वर्ल्ड सर प्राइस यहाँ बिलो पे होना क्या है, चाहिए, बिलो होना चाहिए। तो अगर बिलो। आप इम्पोर्ट का केस लेके चल रहे हो, तो डेफिनेटली इम्पोर्ट तभी क्रिएट होगा आपकी इकोनॉमी में जब वर्ल्ड प्राइस आपके डोमेस्टिक प्राइस से क्या होगा, फॉल करेगा। तो कहने का मतलब, लेट अस सपोज मैंने रखा यहाँ पे दिस इज योर, ये है वर्ल्ड प्राइस, ये आपका क्या है, तो वर्ल्ड प्राइस। चलिए ये मैंने यहाँ पे रख दी। ओके तो मान लेते हैं ये जो प्राइस है ना, इसको मैंने नाम दिया फिलहाल के लिए डब्ल्यू पी, वर्ल्ड प्राइस इज डब्ल्यू पी। ओके अब ध्यान से कहता है, आप ना गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट के ऊपर ना आपको पर यूनिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जिसको आप इंपोर्ट टैरिफ कहते हो। तो आप जो टैक्स देना पड़ेगा, सपोज आज बायर जो है वो गया, मान लेते ये जो वर्ल्ड प्राइस है वो 6 रुपए है फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही ट्रेड ओपन हुआ तो मैं बायर हूं और मैं पेन परचेज करने के लिए बाहर गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया, वहां से एक पेन मैंने परचेज किया और ये पेन 6 रुपए का आया। अब जैसे ही मैं अपने कंट्री आ रहा हूँ तो गवर्नमेंट कहती है बॉर्डर पे, नहीं आप जो पेन लेके आ रहे हो तो इसके बदले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको आप इम्पोर्ट टैरिफ कहते हो। कितना टैक्स करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको पर यूनिट पेन के ऊपर 2 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, आफ्टर टैक्स क्या मैं बोल सकता हूँ जो आपका जो बेसिकली वर्ल्ड प्राइस है वो चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। यस सर, दिस इज योर वर्ल्ड प्राइस आफ्टर टैरिफ, मान लेते हैं इसको मैंने नाम दिया नॉर्मली डब्ल्यू पी का स्टार, और मान लेते हैं ये 8 रुपए। क्या आप सभी एग्री कर सकते हो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है, ये दिस इज नथिंग बट अ टैक्स साइज। यस सर, ओके तो यहाँ पे सबसे पहला बात क्या समझने का है कि गवर्नमेंट कितना टैरिफ चार्ज कर सकती है, पहली बात। तो गवर्नमेंट उतना ही टैरिफ चार्ज कर सकती है सो डेट कि आफ्टर टैरिफ वर्ल्ड प्राइस जो है वो आपके पुराने वाले इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टैरिफ चार्ज करेगी, लेट सपोज गवर्नमेंट कहती है कि 5 रुपए का टैक्स लगेगा, तो 6 प्लस में 5, पेन का कीमत 11 रुपए हो जाता, तो क्या हम बाहर से परचेज करते पेन को? नो सर, नहीं करते, इंपोर्ट फिर खत्म हो जाता। तो इंपोर्ट आपके कंट्री में रहे, तो इसको रहने के लिए गवर्नमेंट जो टैरिफ चार्ज कर रही है वो टैरिफ गवर्नमेंट उतना ही चार्ज कर सकती है सो डेट कि आफ्टर टैरिफ वर्ल्ड प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से कम ही रहे, तभी जाके इंपोर्ट होगा, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हमें इफेक्ट चेक करना है, इससे इफेक्ट क्या आता है। तो मैंने सेम समझा दीजिए। मैंने ये बोल रहा हूं कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, टैरिफ लगा रही है इंपोर्ट के ऊपर पे, तो गवर्नमेंट उतना ही टैरिफ लगा सकती है सो डेट कि आफ्टर टैरिफ जो वर्ल्ड प्राइस हो वो आपके डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर ना चला जाए। जैसे कि आपका वर्ल्ड प्राइस था 6 रुपए, ये था आपका वर्ल्ड प्राइस 6 रुपए, गवर्नमेंट ने 2 रुपए का टैक्स लगाया तो वर्ल्ड प्राइस हो गया 8 रुपए, तो आज भी वर्ल्ड प्राइस जो है आपके इक्विलिब्रियम प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से कम है, तो आप अभी भी बाहर से सामान परचेज करोगे। मान लेते हैं गवर्नमेंट 3 रुपए का टैक्स लगाती, तो 6 रुपए 3 रुपए का टैक्स, तो टोटल प्राइस आपको पेन का पड़ता 9 रुपए, फिर भी आप इंपोर्ट करते क्योंकि आपके डोमेस्टिक प्राइस है 10 रुपीज, तो आपको बाहर से खरीदने में सस्ता पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि जो आप बाहर से परचेज करोगे ना पेन, तो एक पेन के ऊपर मैं टैक्स लूंगा 5 रुपए, तो आप बाहर गए इस पेन को परचेज किया, आपको 6 रुपए में पेन मिला, जैसे ही आप बॉर्डर से अंदर आ रहे थे गवर्नमेंट बोलता है 5 रुपए टैक्स दो, तो 6 प्लस 5 इस पेन की कीमत 11 रुपए हो गई। क्या अब आप इसको खरीदना चाहोगे बाहर से? जब 11 रुपए पड़ ही रहा है तो मैं बाहर से क्यों खरीदूंगा, मैं घर से ही, घर में जो 10 रुपए में मिल रहा है क्यों नहीं खरीदूंगा घर का सामान? तो इस टाइम पे फिर इंपोर्ट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो इंपोर्ट क्रिएट तभी होगा जब टैरिफ लगने के बाद भी वर्ल्ड प्राइस आपके डोमेस्टिक प्राइस से कम दिखे। क्लियर? यस सर, चलिए अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारे इकोनॉमी में क्या होता है। इम्पैक्ट के लिए मैंने नाम दिया इस वाले रीजन को ए, इस वाले रीजन को मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया मैंने सी, और चलो कुछ इस तरीके से थोड़ा और मैं मेंशन करता हूँ। एक बात बताओ,
जब वर्ल्ड प्राइस नॉर्मल था बिफोर टैरिफ, क्या मैं बोल सकता हूँ बिफोर टैरिफ जो डोमेस्टिक सप्लाई था वो इतना था ये यस सर, अमाउंट, और जो डोमेस्टिक डिमांड था वो ये अमाउंट था, क्लियर है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया तो आज वर्ल्ड प्राइस भी थोड़ा महंगा हो गया, तो अब जो आपका डोमेस्टिक सप्लाई होगा वो ये होगा यस सर, और जो डोमेस्टिक डिमांड होगा वो ये होगा, क्लियर है। क्योंकि जैसे ही टैरिफ यस लगा सर, तो टैरिफ लगने के वजह से क्या हुआ कि अब जो है आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो परचेज कर रहे थे 6 रुपए में, अब वो भी प्राइस 8 रुपए हो चुके हैं, तो आप डिमांड को कम कर दोगे, तो डोमेस्टिक डिमांड कम हो चुका है, और सिंस 8 रुपए है अब वर्ल्ड प्राइस, अगर 8 रुपए टोटल पड़ रहा है तो डोमेस्टिक प्राइस भी तो 8 रुपए हो जाएगा, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ चुका है। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर, चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो आप, फिर मैं नाम दे रहा हूं, तो ए बी सी मैं नाम दे रहा हूं। लेटर सपोज ये पूरा का पूरा एरिया डी है, इसको किसी और पेन से नाम देते हैं, लेटर सपोज ये आपके डी है। इसके बाद ये एरिया आपका ई है, ये पूरा का पूरा एरिया आपका एफ है, ये है आपका जी, और ये नीचे वाला एरिया एच, कुछ इस तरीके से। अब मैं इस पे चेक करना चाहता हूं क्या, तो बिफोर टैरिफ सिनेरियो कैसा था, आफ्टर टैरिफ सिनेरियो कैसा है, और चेंजेस क्या सब आए। ओके, सो बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस, बिफोर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस, अब गवर्नमेंट भी हमारी इकोनॉमी में है तो मैंने गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू भी ले लिया, और फिर टोटल सरप्लस, कुछ इस तरीके से। चलिए चेक करते हैं। अब बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस की मैं बात करता हूं, अगर आप सभी एग्री करो तो जो बिफोर टैरिफ आपका कंज्यूमर सरप्लस था क्या वो ये था, यस सर, सभी एग्री कर रहे हो। बिफोर टैरिफ की मैं बात करूं, आपकी इकोनॉमी में इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट हो रहा है ये तो फिक्स है, लेकिन टैरिफ पहले नहीं था, मतलब टैक्स नहीं लग रहा था, तो जो पहले टैक्स नहीं लग रहा था तो कंज्यूमर सरप्लस आपका ये वाला एरिया था, ये पूरा का पूरा एरिया, क्लियर यस सभी सर, को। तो अगर मैं एरिया का नाम बताऊं तो ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल पूरा ये था, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बिफोर टैरिफ जो कंज्यूमर सरप्लस था ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा का पूरा था। ओके, बिफोर टैरिफ जो प्रोड्यूसर सरप्लस था वो ओनली एच वाला पार्ट था, यस सर, तो मैंने यहाँ पे लिखा एच इज द प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैरिफ। बिफोर टैरिफ मतलब अब जब टैक्स है ही नहीं तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होगी वो नील होगी, मतलब जीरो। और टोटल यस सरप्लस की मैं सर, बात करूंगा तो सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एंड एच, ये सब आ गया तो टोटल सरप्लस आ चुका है। अब इकोनॉमी में टैरिफ लग चुका है, इकोनॉमी में जैसे ही टैरिफ लगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ आफ्टर टैरिफ जो प्राइस है आपका वो ये है, अगर ये प्राइस है तो जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो क्या होता है, अबव द प्राइस लाइन बिलो द डिमांड करो, तो दिस इज योर कंज्यूमर एवीडी, सरप्लस, ये वाला, यस सर, ये पूरा का पूरा पार्ट ए बी एंड डी, क्लियर है सभी को। मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं ये पूरा, ये देखो ये, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर टैरिफ जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है ए बी एंड डी ओनली। चलिए, आफ्टर टैरिफ जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो क्या होगा, अगर आप सभी एग्री सीएनएच, करो, ये वाला सी एंड एच, सीएनएच, वेरी गुड, सी एंड एच हमारे पास क्या है, सी प्लस में एच,
गवर्नमेंट रेवेन्यू की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट का जी रेवेन्यू क्या होता है, जो सामान इकोनॉमी में इंपोर्ट हुआ है उसी इंपोर्ट पे टैक्स लिया गया होगा। तो अगर आप सभी एग्री करो तो आफ्टर टैरिफ जो वर्ल्ड प्राइस था वो WP स्टार था, जिसपे कि आप बोल रहे थे ये आपका क्वांटिटी सप्लाई था और ये आपके पास क्वांटिटी डिमांड थी। तो यही आपका क्या था एक्स्ट्रा, जिसको कि आप इंपोर्ट कहते हो। यस सर, तो कहने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज योर एक्स्ट्रा अमाउंट जो क्वांटिटी आपने इंपोर्ट किया और दिस इज द टैक्स साइज। यही जो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है दिस इज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तभी यस सर, एग्री करो दिस एफ पार्ट इज गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाएगा एफ। अब जब टोटल ऐड करोगे तो ए प्लस में बी प्लस में डी प्लस में सी प्लस में एच प्लस में एफ। चेंज देखते हैं क्या सब हुआ है। चेंज में जब आओगे तो कंज्यूमर से एक तो सी चला गया, एक तो ई चला गया, एक तो एफ चला गया, एक तो जी चला गया। प्रोड्यूसर के पास एक सी एक्स्ट्रा आया हुआ है टैरिफ लगने के बाद। गवर्नमेंट रेवेन्यू के पास एक एफ एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है। तो कंज्यूमर से जो सी गया था वो प्रोड्यूसर के पास आया, कंज्यूमर से जो एफ गया था वो प्रोड्यूसर के पास आया, सॉरी गवर्नमेंट रेवेन्यू के फॉर्म में आया। लेकिन जो प्रोड्यूस कंज्यूमर से ई एंड जी गया वो किसी को नहीं मिला। तो टैरिफ लगने की वजह से ई एंड जी का जो सरप्लस पहले हो रहा था आप इकोनॉमी में वो क्या हो गया, आप इकोनॉमी से बाहर चला गया। और उसको हाँ डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला एरिया है वो जिसको मैं शो कर रहा हूं, ये वाला एरिया दिख रहा है सभी को। अगर मैं रेड कलर से डार्क करूं तो ये यस दिस इज योर जी पार्ट एंड दिस इज योर जो भी था, सॉरी वो ई था ये था जी, जिसको कि आप क्या बोलोगे ये जो अमाउंट डेड ये है आपका डेड वेट लॉस, ये आपकी इकोनॉमी से बाहर चला गया, दिस इज योर डेड वेट लॉस। क्लियर है सभी को? यस सर, ये आपका था ई और ये था आपका जी। मैंने तो अगर ये समझ में आ गया तो ये आपके पास इफेक्ट था जब इंपोर्ट पे टैरिफ लगता है तब। तो पेपर में ना आपसे क्वेश्चंस या तो अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट टैरिफ पूछ सकता है, तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन को देनी पड़ेगी। या तो आपके पास ऊपर कुछ दो इस तरीके से मतलब डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन दे देगा, वहां से आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी निकालो। फिर सेकेंड पार्ट में बोल देगा कि वर्ल्ड प्राइस है कुछ इतना, अगर वर्ल्ड प्राइस जो है आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो इकोनॉमी में क्या सब चेंजेस आएंगे, तो आपको पहला वाला केस बताना है। अगर वर्ल्ड प्राइस जो है वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो इकोनॉमी में क्या सब चेंजेस आएंगे, तो आपको केस नंबर टू बताना है। तो इस तरीके से पेपर में आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें आपको मेनली यही तीन टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ल्ड प्राइस जब डोमेस्टिक प्राइस से बड़ा होगा तो वो एक्सपोर्ट्स को क्रिएट करेगा, ऑन दैट टाइम जो कंज्यूमर होगा वो लूजर होगा मतलब लूज करेगा, प्रोड्यूसर जो होगा वो विनर होगा और ओवरऑल इकोनॉमी तो विनर होगी ही होगी। सिमिलरली जब वर्ल्ड प्राइस जो है डोमेस्टिक प्राइस से छोटा होगा तो ऑन दैट टाइम इट विल क्रिएट इम्पोर्ट्स, वहां पे कंज्यूमर विनर होगा प्रोड्यूसर लूज करेगा और इकोनॉमी फिर भी विनर होगी। मतलब इकोनॉमी चाहे वर्ल्ड प्राइस ज्यादा हो या कम हो, ट्रेड खुलने के बाद इकोनॉमी को तो सरप्लस होना ही होना है। और तीसरे में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इम्पोर्ट पे टैरिफ लगता है तो कैसे डेडवेट लॉस क्रिएट किया जाएगा, डेडवेट लॉस आपकी इकोनॉमी में आएगा, वो कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा जब चैप्टर नंबर 9 आप ओपन करोगे तो कुछ थियोरटिकल पार्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशन वगैरह जो कि आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है एनीवन? किसी को डाउट? यस यस सर, ये टेबल बनानी पड़ेगी ना एग्जाम। यस हाँ, अगर पेपर में आता है टेबल बना के अच्छे से शो करना पड़ेगा आप। ओके सर, और किसी कुछ पूछना है? चलिए अगर समझ में आ गया तो चैप्टर नंबर 9 भी मेनक्यू का ओवरऑल कंसेप्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट नंबर 2 एंड 3 के अब हम लोग आ चुके हैं, मतलब यूनिट नंबर 2 के सारे चैप्टर हो चुके हैं और यूनिट नंबर 3 का मैंने चैप्टर नंबर 8 पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, और किसी को डाउट हो तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। मैं फिलहाल अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ बेसिकली।